थ्योरम 8.1 क्या है आपकी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है उसमें जो आप डायगोनल बनाते हो उसको क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमें क्या पता है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, इक्वली पैरेलल होती है, ये हमें पता है इस बेसिस पे। ठीक है, सो अब ये डायगोनल हो गया, सपोज हमने एक डायगोनल ले लिया एसी। ठीक है, एसी हमारा डायगोनल हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आपका जो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं कौन कौन से, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। सो गिवन क्या हो गया, आप पैरेललोग्राम एबीसीडी इन विच एसी इज अ डायगोनल, एसी इज अ डायगोनल। क्लियर, आपको कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो पहले हमेशा गिवन टू प्रूव आपको लिखना है वहां पे। सो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी, एडीसी की जगह हमारा नाम बेटा सीएडी बनेगा, सीडीए, सीडीए। क्लियर, क्योंकि ये वाला चीज आपका किसके इक्वल आएगा, इस पॉइंट के। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो तीन चीजें क्या क्या हो जाएंगी सर, एक एसी कॉमन है। तो पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल के बारे में लिखा है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए। पहली चीज एसी इक्वल्स टू एसी कॉमन, और सर ऑल्टरनेट एंगल कौन से, नाम प्रॉपर आपको पूरे पूरे लिखने हैं, एंगल सी ए बी बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। ठीक है, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा एंगल आपका ये वाला, देखो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, सी ए डी अगेन रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इसके लिए हम कौन सी पैरेलल है, देखो जब आप ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल रहे हो तो उस टाइम पर आपकी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। क्लियर, और जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल रहे हो तो बी सी पैरेलल टू ए डी। क्लियर, तो यहाँ पे पूरा आपको लेना ऑल्टरनेटिंग एंगल्स के बाद इनकी लाइंस भी जो है वो पैरेलल आपको बतानी है। यहाँ पे हमने यूज की ए बी पैरेलल सी डी, और यहाँ पे यूज की है ए डी पैरेलल बी सी। क्लियर, ये भी हमें साथ में लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बेटा? यस सर। अब उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय ऐसे। अब देखो दो एंगल्स हमने लिए और साइड हमने ये वाली कॉमन बोली थी, सो क्या क्राइटेरिया बनेगा, ए एस ए। दो एंगल हैं और एक साइड, और साइड एंगल्स के बीच में आ रही है, तो बाय ए एस ए। ठीक है, क्लियर। अब थ्योरम 8.2 देखो, इसी के बेसिस पर है वो थ्योरम 8.2 में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो हमने पहली वाली थ्योरम में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, अब इस बेसिस पर हम और क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डीसी के, सी डी के बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी की फॉर्म क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और ऐसे ही दूसरा पेयर आपका देखो बीसी, बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, डीए, डीए अगेन बाय सीपीसीटी। तो ये चीज आपकी थ्योरम 8.2 की प्रूफ हो गई कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में इक्वल हो गए। क्लियर, एग्जाम में आपकी अलग ही थ्योरम आएगी प्रूफ करने के लिए, तो ये दोबारा आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड देन आपको दिखाना है। ठीक है, मैं अभी बस वही दिखा रहा हूँ कि इसके बाद मतलब हमें अगर थ्योरम 8.2 प्रूफ करने के लिए आपको बोली हुई है तो आपको पहले वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, तब आपका वो आंसर सीपीसीटी में आएगा। क्लियर, उसके बाद थ्योरम 3 देखो बेटा,
थ्योरम थ्री आपकी थ्योरम टू की अपोजिट है। क्लियर है क्या? थ्योरम 8.2 की अपोजिट कि इफ अ पेयर ऑफ इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी हमें क्या गिवन है कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें क्या है अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल है। गिवन क्या हो गया हमारे पास? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB = CD एंड AD = BC। क्लियर, ये गिवन है आपको। नाउ प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी हम कैसे प्रूफ करेंगे? सर पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? AC को ज्वाइन AC AC हमने डायगनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो डॉटेड लाइन से आपको करनी है। ठीक है, नाउ अब प्रूफ में जो हमने पिछले वाले थ्योरम्स में प्रूफ किया है उसी का अपोजिट करना, मतलब वही। अब हमें ट्राइंगल्स वही कॉन्ग्रुएंट करने हैं बट इन अ डिफरेंट वे। क्लियर, सो कौन से ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। क्लियर, तो इसमें क्या क्या इक्वल मिल जाएगा आपको बताओ? AC = AC कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी दो चीजें आपकी गिवन है, दैट इज AB = CD और AD = BC। ये दोनों चीज आपकी गिवन हो गई, तो तीन चीजें आपको मिल गई। कॉन्ग्रेट करने के लिए तीन चीजें नेसेसरी होती हैं, तीन चीजें मिल गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेट टू ट्राइंगल CDA बाय SSS, क्योंकि तीनों साइड आपने इक्वल दिखाई हैं दूसरे ट्राइंगल के। क्लियर, तो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इस बेसिस पे हमें प्रूफ क्या करना था? हमें तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होंगी। सो आपको यहाँ पे पैरेलल दिखानी है साइड्स को। सो पैरेलल कैसे दिखाओगे? देखो, अब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिए, तो आपका जो एंगल ए वाला है यानी कि एंगल BAC है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल DCA के। क्लियर, नाम से ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, BAC तो DCA, आया समझ में? BAC हम नाम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा? DCA। क्लियर, बाय CPCD। और ये ध्यान से अगर हम फिगर में देखें तो ये कौन से पेयर बना रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंस दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। सो कौन सी लाइंस? AB पैरेलल टू CD जिसके बीच में बेटा वो आ रहे हैं। देखो, ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली हम दूसरे पेयर को भी पैरेलल बोल सकते हैं। सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। ठीक है, इसी तरह हम इस लाइन को भी इसके पैरेलल दिखा सकते हैं। अब इसकी यानी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स की क्या है? पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। एज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पैरेलल GM लिख सकते हो आप। क्लियर,